हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। हमेशा की तरह हॉट ड्रॉप उतरते हैं बंदे, जोर जो जाने के लिए कहते हैं, लेकिन जोर जो पर मुझे बंदे उतरते नहीं दिखते, तो इसलिए मैं अपार्टमेंट की तरफ चलते हूँ और उतरते हैं हमेशा की तरह अपार्टमेंट। और देखिए क्या ही ज़बरदस्त फाइट होने वाली है। कम से कम 6-7 स्क्वाड अपार्टमेंट के अंदर आती हैं और पिस्टल से फाइट लेनी पड़ती है। भाई माँ कसम मर जाएंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और फाइट का मजा लें। और भाई 80% अनसब्सक्राइब बंदे वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब करके चैनल को नहीं जाते। सिर्फ 22% बंदे ऐसे हैं मेरे चैनल पर जो सब्सक्राइब बंदे जो वीडियो देखते हैं, भाई बंदे सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। भाई सब्सक्राइब करने में क्या जाता है भाई, एक लाइक तो ठोक दो, एक सब्सक्राइब तो बनता है यार। एक बंदा बैन हो गया साला, हेड यूज करता होगा इतना कि झूठ है भाई। बस अब सहा नहीं जाता भाई, बस कर है ना फैसल भाई, आले मेरे को आ जाएंगे लोग। Watch out! साला मैं मरा, मुझे लग रहा है। Watch out! आज क्या हो रहा है? अरे ब्रो हेल्थ हो यार। ले भाई ये भी कोई बोलने वाली चीज है। आई गॉट सप्लाइज, हेड टुवर्ड दिस पॉइंट। बाकी रह गए जो सामने वाले बिल्डिंग। अरे भाई 4 नंबर हेल्थ दे दी यार। अरे भाई 4 नंबर ने उठा लिया यार उसको तो। नहीं यार मेरे पास भी थी कसम साला, डोंबड़ा साला कैंपर सारे ले अब निकल। कैंप करके बैठे हुए, कैंप सीढ़ी के पास बैठे हुए, सीढ़ी के पास डीबी है सर, उसके पास सब चाहोगे फोन रखता तो सब एक साथ हो, सब एक साथ जा रहे भाई, बोला सब एक साथ हो। नाइस रिवाइव 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 कर दे रिवाइव। वॉच आउट। नाइस नाइस और एक गाड़ी आया, गाड़ी है बाई तरफ, गाड़ी आया, गाड़ी आया, भाग रहे, मारो उसको। एनिमीज अहेड। ओ गया इंटर बैरल है फोर्टी थ्री शायद ये। Enemies ahead. यहाँ पर दो बंदा है यार, वो तो तीन बंदा है, वो नॉक ही नहीं हो रहा उसको। कम से कम मैं 230 गोली मार दिया।
अरे भाई 4 नंबर से आ रही होगी, मेरे से बहुत नहीं आवाज आ रही। मैं तो चुप बैठूंगी यार। यहाँ पर आते हैं, यहाँ बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है बंदों की, जो कि क्या ही जबरदस्त तरीके से इन बंदों को निपटाते हैं। Watch out! Watch out! Watch out! यहाँ इस बंदे को रिवाइव करते हैं, और रोजो की तरफ से एक बंदा स्नाइपिंग भाई मेरे का 98 चला रहा था, उस बंदे को नहीं जाके यार करते मेरे हैं। पास भी। वॉच आउट। ने क्या ही किल चुराया था हमारे भाई का, लेकिन कोई बात नहीं। और चलते हैं आगे की तरफ। अगले बंदा कहता है यहाँ तो कोई नहीं होगा यार, वैसे भी मेरे अंदाज से यहाँ 18-20 बंदे सारे रह गए हैं। अब चलते हैं बग्गी लेके अपार्टमेंट की तरफ। अपार्टमेंट पे बहुत तगड़ी फाइट होती है, 2 स्क्वाड होती है अपार्टमेंट में पहले से। और चलते हैं अपार्टमेंट की तरफ बग्गी उठा कर। हाँ यस ब्रो, मेरे पास ब्रो पार्ट्स की तरफ फिर चलते हैं। पार्ट्स की तरफ बंदे आगे होंगे। पार्ट्स के अंदर 2 स्क्वाड होती हैं यार भाई, दोनों स्क्वाडों के सारे दिन तुम्हारे भाई को मिलने वाले हैं। देखते रहिए भाई, लाइक करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थोड़ा पिंग धोखा दे जाती है मेरी और इस बंदे की भी, अचानक सर्वर डाउन हो जाते हैं दोनों बंदे को। और देखिए ये भी क्या कहते हैं, ये नॉक हो जाता है, ये भी मर जाता है, मैं भी बड़ी मुश्किल से बचता हूँ यहाँ। और इसे नॉक फिनिश दे देते हैं, ये ऑफलाइन हो जाता है बंदा। और वरना अगर ये ऑनलाइन होता तो मेरी तरफ आता, मैं वैसे बचा लेता, लेकिन कोई बात नहीं। सामने की तरफ भी एक स्क्वाड है, एक स्क्वाड मेन बिल्डिंग की तरफ है। अब देखिए क्या ही फिनिश करते हैं। अरे भाई यार मेरे को कॉल आ गया था यार, बंदा मेरा बहुत पीछे है। बॉन्ड से लगा बड़ा सही लिया लिया। एक बंदा है बार बार मुझे परेशान करता है, इसके ऊपर की तरफ होता है छत की तरफ। मैंने कहा यार ये साइड से किधर से कूद के ना जाए, अरे मुझे पीछे से आके ना फेल दे, डर भी रहता है। लेकिन क्या कहते हैं इसका दूसरा, ये दोनों तीनों बंदे एक साथ कूद के मुझ पर रश करते हैं, और इतने में मेरा बंदा वहाँ से पीछे से पहुँच गया होता है। और इन दोनों करता हूँ, नॉक करता हूँ, और
भैया पिंग धोखा दे रही होती है मेरी, अगर मैं मरने वाले मेरा चार नंबर बंदा आ जाता है इतने पीछे से बचा गाड़ी थी कभी भी मुझे ही मिलता है। और अब ये तीनों बंदे फिनिश हो जाते हैं, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब मेन बिल्डिंग वाले बंदों को देखते हैं जो मेन बिल्डिंग में सामने थे। इनका एक बंदा यहाँ गाड़ी घुमा रहा था, लेकिन जब वो हमारी फुट स्टेप्स की आवाज़ सुनता होगा तो वहीं रुक जाते हैं चारों बंदे। भाई ये बंदा दिखता है, मैं इस बंदे को मारने वाला होता हूँ, लेकिन इसके तीन बंदे मेन बिल्डिंग के अंदर होते हैं। मैं सोचता हूँ अगर मैंने पीक ली तो भाई कहीं वो मुझे उधर की तरफ से ना चिपका दें, अरे उधर की तरफ से वो चिपका देते तो रश करने का उन्हें मौका मिल जाता और ये जो मेरे साथ बंदा था ये रिकवर नहीं पकड़ पाता। और इसलिए सामने वाले बंदे को नॉक करते हैं और वो उधर से भी निडा जाता है। भाई यहाँ से निकलते हैं बच के, सामने वाला बंदा नॉक करता है। भाई मैं दूसरे बंदे भी फेंकता हूँ, क्या कर सकते थे भाई, वो रिवाइव हो जाता है। लेकिन तभी इसका बंदा मुझे यहाँ दिखता है थर्ड फ्लोर पे जिन्होंने रिवाइव करा था, इसे देखिए क्या ही नॉक फिनिश देते हैं। इसका एक बंदा भाई मेन बिल्डिंग के अंदर हमारी बिल्डिंग के अंदर आ चुका होता है। मुझे डर होता है बार बार उस बंदे का, कहीं वो ऊपर ना जाए, इसलिए मैं बार बार नीचे जाके देखता हूँ। भाई कमेंट में ज़रूर बताएं आपको फ़ाइट सबसे अच्छी फ़ाइट कौन सी लगी। भाई मुझे सबसे ज़बरदस्त सबसे ज़्यादा मज़ेदार फ़ाइट ये लग रही है, क्योंकि सामने वाली भी अच्छी प्लेयर है और इसका आप बहुत देर हो जाती है, इसका एक बंदा नॉक करता हूँ और इसे फिनिश देता हूँ। और अभी ना बहुत देर हो जाती है, जोन भी जाना होता है भाई, और इन्हें अब रश कर देते हैं। हम देखिए सामने बंदा घुस जाता है, ये एक ही HP बचा होगा, लेकिन ये मेरे मैं आगे की तरफ चलता हूँ ऊपर से इसका बंदा रश करना शुरू करता हूँ। और भाई अगर ये अच्छा प्लेयर होता, अच्छा एम होता, इस बंदे का अच्छा एम नहीं था तो मुझे नॉक कर देता ये। और नीचे वाला जो बंदा था, जो बंदा आ रहा है उसे नॉक कर देता है, वो मार्क लगाता है। और इधर बंदा नहीं होता है, मैंने कहा इसी तरफ होगा, इसे नॉक करता हूँ, तभी इसका बंदा आ जाता है। और भाई सबसे ज़बरदस्त फाइट मुझे ये लगी है इस गेम की। और जोन भी बहुत तेज़ काट रहा होता है, अब उस बंदे को बचाने का मौका नहीं मिलता। मैं हील करता हूँ और भाई ये रिवाइव मांगता है, लेकिन क्या कर सकते थे भाई, बहुत तेज जोन काट रहा होता है, मैं नहीं बच पाएगा भाई। आगे की तरफ चलते हैं, गाड़ी खड़ी होती है इन बंदों की और इस गाड़ी में बैठते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। भाई भाई चैनल को, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और भाई यहाँ दो बंदे रह जाते हैं मुझे छोड़ कर, और ये हो गया विनर चिकन डिनर।